अगर विधायक और सांसद किसी पार्टी से टूटते हैं तो आमतौर पर सत्ता के साथ जाते हैं, मगर बिहार अपने आप में अनूठा राज्य है। यहां ओवैसी के पार्टी में 5 में से 4 विधायक मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी में शामिल हो गए। ये किसी बड़े सियासी खेल के संकेत हैं। आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो राज्य में महागठबंधन सत्ता से महज 6 विधायक दूर है, मतलब लालू यादव की पार्टी आरजेडी गठबंधन के पास 116 विधायक हो चुके हैं। बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 है। ऐसे में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान सिर्फ ओवैसी के साथ रह गए हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से AIMIM के टूट की खबरें हवा में तैर रही थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने भी कहा था कि उनके विधायकों को दूसरे दलों की तरफ से लगातार ऑफर मिल रहे हैं। उन्होंने हालांकि भरोसा जताया था कि विधायक टूटने वाले नहीं है और पार्टी मजबूत है। सभी हमारे पत्रकार बंधु, आज का प्रेस वार्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण है और मुझे बताने में भी बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार का जब चुनाव हुआ था तो 2000 वो राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़े दल के रूप में जनादेश दिया था, यानी सिंगल लार्जेस्ट अगर कोई पार्टी थी तो राष्ट्रीय जनता दल थी। और उसके बाद हम लोगों ने देखा, सब लोगों ने देखा कि भाजपा के लोग जो है उसके बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई, क्योंकि जो 3 सदस्य VIP के थे वो उनके साथ जुड़ गए। और मुझे प्रसन्नता इस बात की हो रही है।